हमारा यूथ कांग्रेस आज ई एस सी ऑफिस विजिट करने आया है रिगार्डिंग कल एक ई एस सी ऑफिस आने एक मजिस्ट्रियल पावर को यूज़ करके सी आर पी 144 सी आर पी सी लागू किया था बीफ वो नाम को लेके। तो उसी सिलसिला में हमारा यूथ कांग्रेस एक रिप्रेजेंटेशन लेके आया है, वो जो सी आर पी सी जो 144 जो इम्पोज करके रखा है उसको रिकन्सिडर करने के लिए यहाँ आया। तो पता चला ई एस सी साहब तो नहीं है, सुबह से साइड नहीं है। तो हमारा इंटेंशन ये है कि जो सी आर पी सी 144 इम्पोज करके रखा है वो गलत है, बोलते दिस इज नॉट दिस ऑर्डर इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली ट्राइबल स्टेट। जो हमारा बाहर स्टेट में मेनलैंड स्टेट में जो इश्यूज है हमारे ट्राइबल स्टेट में ये इम्पोज नहीं हो सकता है। जो नियम नीति वहाँ जो बनाता है या अरुणाचल में अलग होता है या ट्राइबल का कल्चर अलग होता है। तो वही पॉइंट को लेके हम आया था इस पे। एक्चुअली हमारा ये 144 सी आर पी सी तब लागू किया जाता है जब कुछ इमरजेंसी हो, जब हमारा पब्लिक के जनता के लिए जब खतरा हो, कुछ पब्लिक न्यूसेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, तब 144 सी आर पी सी तब लागू होता है। ये रेस्टोरेंट और होटल में बीप लिखा है बोल के उसी का पॉइंट को उसी पॉइंट को लेके 144 सी आर पी सी इम्पोज करना, ये एक कानूनी तौर पर देखा जाए तो इसे टोटली मिस यूज ऑफ मिनिस्ट्रियल पावर। तो ये पॉइंट को हम ये लेके आया है। हमारा ई एस सी साहब जो या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट